तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप गन्ना का फसल लगाते हैं, गन्ने की खेती करते हैं और उसमें उसको मतलब अच्छा लगाना चाहते हैं, उसमें मुनाफा पाना चाहते हैं, तो कोरा जिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। मौसम खराब हो गया है, अभी बारिश होने लगी। चलिए अभी मौसम साफ हो गया है, पानी निकल गई है और जब पानी बरसता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। नमस्ते, इधर खेत में आप देख सकते हैं कि सुबह ही कोराजिन का छिड़काव इस गन्ने वाले खेत में करवाया गया था और कोराजिन जो है कीटनाशक बहुत ही अच्छा दवा होता है। ये छोटी वाली नहर है और इसके बगल में हमारा जो ये वाला खेत है वहाँ से लगा कर इतना गन्ना लगा है यहाँ पे वहाँ तक है। और ये हमारा ही गन्ना है, ये वाला गन्ना जो है करीब 5 बीघा है ये वाला गन्ना। घर वाले खेत पे जो गन्ना लगा है वो बोआस है, जो मैंने आपको किसी न किसी वीडियो में दिखाया ही है। बाकी ये जो गन्ना यहाँ का है ये पेड़ी है, पर साल ही इसकी बुआई हुई थी, इस साल दूसरा बार है इसका, तो ये पेड़ी हुआ कुल मिला के। तो इसमें मतलब घास वगैरह जो है ज़्यादा ही लगा है, जिसके कारण से इस गन्ने में बड़ी वाली मशीन से छिड़कवाना पड़ा था कोराजिन, तो सुबह ही छिड़कवाई हो गई थी। इतना गन्ना घर पे लगा है, उस गन्ने में मतलब छोटी वाली मशीन से उस गन्ने में कोराजिन की छिड़कवाई हुई थी, जो पीठ पिलात के कंधे पे और हाथों से छिड़का जाता है। तो अभी मैंने लगभग पूरा सीन दिखा दिया इधर का और अब हम थोड़ी सी जानकारी की बात कर लें। ये है कोराजिन, मतलब इसमें है नहीं, ये है कोराजिन का डिब्बा जो कि हमारे साथ हाथ में है और इसकी छिड़कवाई हो गई है करीब गन्ने में। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कोराजिन का डिब्बा है और इसमें प्राइस की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5381 रुपया इसमें प्रिंट है। और ये है FMC कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसमें लिखा हुआ है कोराजिन। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका डिब्बा है और ये डिब्बा मतलब 300 ml का है। और इस 300 ml के कोराजिन से आप 10 बीघे गन्ने में छिड़काव कर सकते हो, मतलब कि ये एक डिब्बा अगर 300 ml का आपने ले लिया तो आप पूरे 10 बीघे में आप इसका छिड़काव कर सकते हो। अगले बार जब हम लोगों ने कोराजिन लिया था तो डूपोंट कंपनी का कोराजिन था और ये FMC कंपनी का कोराजिन है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। डूपोंट कंपनी के कोराजिन में और FMC कंपनी के कोराजिन में कोई फ़र्क नहीं है और ना ही डिब्बे का आकार में कोई फ़र्क है, बिल्कुल देखने को सेम मिलेगा, बाकी केवल कंपनी का नाम बदला हुआ यहाँ पे मिलेगा। अब हो सकता है कि पहले उस नाम से कंपनी कोराजिन बना रही थी और ये भी हो सकता है कि पहले उस नाम से बनता था अब इस नाम से बनता हो, नाम चेंज कर दिया गया हो, ये भी हो सकता है, या फिर दो कंपनियां हो, इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर देखने में डिब्बा एकदम सेम है दोनों का, जो अगले साल हम लोगों ने लाए थे उसका और इसका भी, तो दोनों का डिब्बा सेम है, बाकी अंदर का जो कोराजिन था वो भी सेम था। तो चाहे आप लेते समय डूपोंट का मिले आपको तो आप ले लीजिएगा बिंदास, और अगर FMC कंपनी का मिलेगा तो भी ले लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। आपने इसका प्रिंट देखा, 5381 रुपये इसका जो प्रिंट है वो है। तो आप अगर इसको लेना चाहो तो अगर आप इसको दुकान से कहीं भी ख़रीदते हो, अगर आपको बाई चांस दुकान पे मिल जाता है, कुछ लोग दुकान पर भी रख लेते हैं, तो आपको करीब 5000 के आसपास का ये पड़ेगा। और अगर आप इसको मिल द्वारा अगर लेना चाहो तो आप कांटे पे जहाँ पे गन्ना लेकर जाते हो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, तो आपको ये छूट में मिल जाएगा, मतलब कि हम लोगों ने मिल की तरफ से लिया है इसको। ये 5381 रुपये इसका प्रिंट है, तो ये छूट कुल मिला के 3550 रुपये का ये हमको पड़ा था। चलिए फिर, हमने अभी रेट के बारे में भी बात कर लिया, कंपनी के बारे में भी बात कर लिया, मतलब कि और सारे सीन दिखा दिए। अब हम बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। इस कोराजिन का काम ये है कि ये है कीटनाशक दवा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर ये कीटनाशक दवा है तो मार्केट में बहुत से कीटनाशक दवा मिलते हैं, किसी को भी खरीद लो, मतलब इससे सस्ते में भी मिल जाएंगे, जैसे 500-1000 के आसपास का भी मिल जाएगा कीटनाशक दवा, तो आप उसको करीब के काम क्यों नहीं चला सकते। तो सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये कीटनाशक दवा है
इसका काम बहुत ही ठोस है। जो मार्केट में दवा मिलती है कीटनाशक, मतलब किसी भी कंपनी का दवा ले लो, कोई भी दवा ले लो, जितना काम ये, जितना ज़्यादा काम ये करेगा उतना वो काम नहीं कर पाएगा। इसके तुलना के हिसाब से वो बेकार है। बाकी अगर आप इसका छिड़काव गन्ने में करते हो तो आपका गन्ना बहुत ही अच्छा लगेगा। ये प्रोडक्ट एकदम 100% ओरिजिनल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा छिड़काव करो। अगले बार भी मैंने छिड़काव इसी का किया था, मतलब कोराजिन कई सालों से हम लोग लगातार कोराजिन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी दिक्कत देखने को नहीं मिली। एकदम 100% ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। बाकी मार्केट में कीटनाशक कोई भी दवा मिलती है, इसके तुलना के हिसाब से वो बिल्कुल कुछ नहीं है, कम है। और इसका जो मतलब काम करने का तरीका है, ये बहुत ही ठोस है, ये टिकाऊ है, बस इतना समझो। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप गन्ना का फसल लगाते हैं, गन्ने की खेती करते हैं और उसमें उसको मतलब अच्छा लगाना चाहते हैं, उसमें मुनाफा पाना चाहते हैं, तो कोराजिन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग कई साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कभी मतलब नुकसान नहीं हुआ, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे इसमें हैं। चलिए भाई, आपके मन में जो भी डाउट था, आशा करता हूँ कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और कोराजिन का छिड़काव कराने का एक टाइम होता है, मतलब मई से जून तक आप कोराजिन का छिड़काव करवा सकते हो अपने गन्ने में, आप अच्छे गन्ने लगा सकते हो खेतों में। बस यही थी छोटी सी जानकारी आपको। आई होप ये जानकारी आपको सुन के अच्छा लगा होगा। बाकी बस इस वीडियो को अभी ही प्रिंट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, मतलब अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।